किसानों का अभी बोवनी का समय है और सबसे अधिक खाद्य बीज खरीदने के लिए नगद पैसे की ज़रूरत अभी ही रहती है, लेकिन उसके लिए उसे आदिम जाति संस्था और जिला सहकारी बैंक के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि शासन के निर्देश पर स्थानीय आदिम जाति संस्था द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की गई है और कुल 245 किसानों ने अपना गेहूं संस्था को बेचा था, लेकिन मात्र 69 किसानों के खातों में ही गेहूं का पूरा भुगतान हुआ है, जबकि 152 किसानों के खातों में आधी राशि ही जमा हुई है और 24 किसानों के खातों में तो अब तक एक रुपया ही भुगतान नहीं हुआ है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष धीरज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार का ध्यान मात्र उपचुनाव जीतने पर है, किसानों की क्या परेशानी हो रही है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, जबकि किसानों के खातों में समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं भुगतान नहीं होने से खून के आंसू रोने के लिए विवश हैं। शीघ्र ही किसानों के खातों में पूरी राशि का भुगतान किया जाए, वरना मजबूरन किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मूल्य खरीदी को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक किसानों ने 245 किसानों ने पंजीयन करके सोसाइटी को गेहूँ बेचा है, जिसमें से 24 किसानों को तो पूरी तरीके से पैसा नहीं आया है और 152 किसानों को आधा पैसा आया है। अभी बोनी का समय है, खाद बीज लेने का समय है, किसान परेशान है, और लेकिन सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हुए उपचुनाव की तैयारी में लगी है, उसका किसानों पर कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं है। और जो है समिति में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आया, किसान आखिर जाए तो कहाँ जाए, किसान किसके पास जाए। इस तरह किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द किसानों को पैसे पहुँचाए, वरना किसान उग्र आंदोलन करेगा। क्या नाम लिखा? धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।